हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेके सिविल सर्विसेज आई एम रज़िया यू आर टीचर फॉर द करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस प्रीवियस वीडियो में हमने जो फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जितने भी थे उनका हमने पार्ट वन कर लिया था तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम पार्ट टू करेंगे इन्हीं करंट अफेयर्स का और मैंने आपसे पहले भी कहा ये जितने भी करंट अफेयर्स मैं आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पे मैं कुछ ऐसी रैंडम इन्फॉर्मेशन उठा के नहीं आपको दे रही तो जितना भी ये आपको करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हमारा जो आज का फर्स्ट एम है दैट इज़ विच इंडियन स्टेट असेंबली रिसेंटली बीके

पूरी ये जो टर्म है इसके इसको थोड़ा ब्रेक करके यहां पे समझने की कोशिश करेंगे देखिए यूनिफॉर्म का क्या मतलब है विच इज सेम फॉर एवरी वन यानी कि यहां पे कम्युनिटीज़ uh, की बात होगी डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ की बात होगी तो ये सेम होगा सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए कैसे आगे बताती हूँ देखिए सिविल सिविल का मतलब है जितने भी हमारे पर्सनल लॉ पर्सनल मैटर्स हैं जितने भी हमारे पर्सनल अफेयर्स हैं जितना भी हमारे सिविल मैटर्स है जैसे कि मैरिज हो गया एडॉप्शन हो गया डिवोर्स हो गया या इनहेरिटेंस हो गया जो कि हमारी पर्सनल लाइफ के साथ कंसर्न है जितने भी मैटर्स तो उनके लिए यहाँ पे एक सेम कोड लेके आएंगे फॉर एवरी रिलीजियस कम्युनिटी कोड का मतलब होता है ए सेट ऑफ लॉज यानी कि एक सेट होगा लॉज का एक सेट ऑफ लॉज होगा मैरिज के लिए एक सेट ऑफ लॉज होगा एडोपशन के लिए एक सेट ऑफ लॉज होगा डिवोर्स के लिए एक सेट ऑफ लॉज होगा इनहेरिटेंस के लिए जो कि गवर्न करेगा सारी कम्युनिटीज़ को जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ है इ रेस्पेक्टिव ऑफ किस रिलीजियस आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं आप किस रिलीजन से आइडेंटिफाई करते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ़ दैट रिलीजियस आइडेंटिटी आपके लिए यहाँ पर ये कोड अप्लाई होगा ये सेम ही होगा सबके लिए ठीक है तो यहाँ पर जो उत्तराखंड में है इसने अभी इस बिल को पास कर लिया है पहले क्या है इंडिया में अभी करंटली क्या है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में कि हर किसी कम्युनिटी का जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज है मान लीजिए हिंदूज हैं मुस्लिम्स हैं क्रिस्चनस हैं सिक्स हैं एट्सट्रा मतलब जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं हर किसी के अपने अपने पर्सनल लॉज से उनको गवर्न किया जाता है फॉर दीज मैटर्स ठीक है ऐसे मैटर्स के लिए उनको अपने अपने पर्सनल लॉ से गवर्न किया जाता है तो इन्हीं ये जो हर किसी कम्युनिटी को अपने पर्सनल लॉ से गवर्न करना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंटर रिलीजन मैरिज़ हो गई या आप कह सकते हैं इंटरकास्ट मैरिजिज़ होती हैं या दो डिफरेंट रिलीजन के लोगों में के बीच में मैरिज हो जाती है तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी एरइज़ हो जाती है ठीक है तो उस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए यहाँ पे उत्तराखंड पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को यहाँ पे पास कर लिया है थोड़ा सा अभी कंटेक्सट समझते हैं द बिल इम्पोज़ कॉमन रूल्स फॉर ऑल कम्यूनिटीज़ यानी कि ये कॉमन रूल्स होंगे सभी कम्यूनिटीज़ के लिए एक्सेप्ट किन को छोड़कर स्कीड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर कर ट्राइब्स के बगैर ये जो बिल है ये सभी कम्यूनिटीज uh, के लिए एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स लेकर आई है किन किन uh, किन किन चीजों को किन किन मैटर्स uh, को लेकर मैरिज डिवोर्स एडोप्शन इनहेरिटेंस गोवा जो है यहाँ पे ये इंडिया की ऐसी स्टेट है दैट्स आल्सो गवर्नड बाय यूसीसी बट गोवा में क्या है कि यहाँ पे किसी इसकी असम्बली ने एक बिल पास नहीं करी है गोवा में जो पॉर्चुगेज थे पॉर्चुगीज ने यहाँ पर एक सिविल कोड लाया था जिसका नाम गोवा सिविल कोड था सिविल कोड है अभी भी ठीक है तो ये जो गोवा सिविल कोड है जब गोवा लिबरेट हुआ इन 1961 फ्रॉम पॉचुगीज़ इसको रिटेन कर लिया गया ठीक है वहाँ पे इस सिविल कोड को रिमूव नहीं किया गया इसको रिटेन कर लिया गया और किसने अप्लाई किया था पॉचुगीज़ ने वहाँ पे अप्लाई किया था तो इसका मतलब है कि इसकी असेंबली ने पास नहीं किया तो आफ्टर इंडिपेंडेंस उत्तराखंड ही पहली ऐसी स्टेट है जिसने एक पर्टिकुलर वे में यहाँ पर एक बिल को पास कर लिया है ठीक है तो अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर कन्फ्यूज़ किया जा सकता है कि आप बताइए पहली ऐसी स्टेट कौन सी है जहाँ पे यू है अगर ऐसे करके पूछा जा रहा है तो वहाँ पे आपका आंसर गोवा हो जाएगा लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पहली ऐसी स्टेट की असेंबली जिन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास किया है देन आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड तो इन दो चीज़ों पर यहाँ पर आप ध्यान देंगे और आर्टिकल फोटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो मैंशन करता है यू को यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल फोटी में आता है कि एक जो हमारी स्टेट है हमारी जो स्टेट्स है वो करनी चाहिए यूसीसी सी यहाँ पे लेकर आ जानी चाहिए जो कि एक पार्ट है किसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का यानी कि ये जो यूसीसी है किन में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता ये यहाँ पे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं आता ये आता है किस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है बट दीज आर सम गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो कि जस्टिसेबल नहीं है यानी कि आप अपनी आ, मर्जी से इसको लागू कर सकते हैं अगर आप आ, करना चाहे अपनी मर्जी से इसको लागू कर सकते आप पे ऐसे कोई आ, लीगल क्लेम नहीं आएगी कि, कि आपने ऐसा नहीं किया ठीक है तो दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स यानी कि आपके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को यहाँ पे गाइड करने के लिए आपको बताया गया है कि इन फ्यूचर आप यहाँ पर यू को अप्लाई कर सकते हैं सो दीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उसी में आता है हमारा आर्टिकल फोर्टी जो किस बारे में बताता है अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड ओके अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव एन ऑनररी नाइट हुड फ्राम यू केज किंग चार्लस थर्ड हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडिया के पहले ऐसे सिटीज़न कौन बने जिनको ऑनररी नाइटहुड किन से मिला फ्रॉम यूके honor के किंग चार्लिस थर्ड यूके का ये हाइस्ट सिविलियन ऑनर है ऑनररी नाइट नाइटहुड कि किन्होंने इनको दिया है किंग चार्लस थर्ड ने तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है दैट इज़ सुनील भारती मित्तल जो सुनील भारती मित्तल है इनको रिसेंटली जो यूके के किंग चार्लिस थर्ड है इन्होंने नवाजा किससे ऑनररी ऑनरी नाइट हुड से और इंडिया के पहले ऐसे सिटीज़न बने अब भारती मित्तल हैं कौन ही इज़ द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ भारती एंटरप्राइजेज वो फ़ाउंडर हैं और चेयरमैन हैं भारती एंटरप्राइजेज के ओके सी द नेक्स्ट वन कंसिडर द फॉलोइंग नेम्स फर्स्ट गुलजार दामोदर मावज़ो जगत गुरु रामभद्राचार्य एंड सत्या शास्त्री इन चार नेम्स में से हमें क्या बताना है कि फ़िफ्टी एथ्थ जनानीपथ अवार्डस हैज़ हैव बीन कन्फर्ड टू हमें बताना है जो फिफ्टी एथ्थ जनानीपथ अवार्डस रिसेंटली दिए गए हैं वो इन चार नेम्स में से किन पर्सनलिटीज़ किन किन पर्सनैलिटीज़ को दिए गए हैं तो ठीक है हमारा एक तो गुलजार यहाँ पे श्री गुलजार ठीक हो रहा है दामोदर माओज़ो को लास्ट ईयर मिला था तो ये यह यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो जाएगा जो जगत गुरु रामभद्राचार्य है इनको भी इस साल मिला ठीक है बट सत्यव्रत शास्त्री इनको बहुत पहले मिला है आज नहीं मिला तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बोथ वन एंड थ्री वन एंड थ्री तो आंसर इज़ बोथ वन एंड थ्री यहाँ पर आप पिक्चर में देख लीजिए ये श्री गुलजार हैं एंड दिस इज़ जगत गुरु राम भद्राचार्य ठीक है तो कंटेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्टी जनानी जनानीपत अवार्ड जो है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए किस किन दो डिस्टिंग्विश्ड राइटर्स को मिला फ्रॉम टू लैंग्वेजेस संस्कृत के लिए मिला जगत गुरु रामभद्राचार्य को और उर्दू राइटर उर्दू के लिए मिला श्री गुलजार को जो जनानीपत अवार्ड है अगर आप कुछ अच्छी कारकरी दिखाते हैं लैंग्वेज में या आपका कोई रिनाउंड वर्क हो फेमस वर्क हो लैंग्वेज में तो फिफ्ट जनानीपत अवार्ड उसके लिए दिया जाता है जो फिफ्टी एथ जनानीपत अवार्ड है यहाँ पर दो लैंग्वेज के डिस्टिंगश राइटर्स को मिला एक तो संस्कृत स्कॉलर जो जगत गुरु रामभद्राचार्य है और जो उर्दू के रिनाउंड राइटर है श्री गुलजार उन दोनों को ठीक है अभी जो हमने सत्यव्रत शास्त्री है जो हमारा फोर्थ ऑप्शन था क्वेश्चन है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं ये भी संस्कृत पोएट रहे हैं तो इनको पहली बार मिला था जनानी पथ अवार्ड फॉर ईयर टू और इनको कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने जनानी पथ अवार्ड रिस, रिसीव किया था फॉर ईयर टू फॉर संस्कृत इन टू ओके सी द नेक्स्ट वन वट इज द थीम फॉर द ट्वेल्थ एडिशन ऑफ मिलन नेवल एक्सरसाइज दैट टुक प्लेस इन विशाखापट्टनम हमें बताना है जो मिलन नेवल एक्सरसाइज हुई है जिसका ट्वेल्थ एडिशन रिसेंटली हुआ है विशाखापट्टनम में उसका थीम क्या था यहाँ पे तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है दैट इज़ फॉरजिंग नेवल अलायंसिसज फॉर एसक्योर मेरी टाइम फ्यूचर ट्वेल्थ एडिशन का क्या यहाँ पे यहाँ पे थीम हो रहा है दैट इज़ फोरज करना यानी कि बनाना ऐसी नेवल अलायंसेज ऐसी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की नेवीज़ में अलाइंस बनाना ठीक है ऐसी नेवल अलायंसेज जो कि हमारा जो मेरी टाइम फ्यूचर है वो सिक्योर कर सके ठीक है उसको सेफ़ एंड सिक्योर बना सके तो कंटेक्सट थोड़ा जान लेते हैं अब मिलन है क्या मिलन जो है ये एक बाई यानी कि एवरी टू ईयर्स में करने वाली करे जाने वाली एवरी टू ईयर्स में जो यहाँ पे की जाती है एवरी टू ईयर्स में जो की जाती है यहाँ पे एक एक्सरसाइज़ है मल्टीलेटरल uh, नेवल एक्सरसाइज़ जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट नेवीज़ यहाँ पे आती है और उस एक्सरसाइज़ को परफॉर्म करती है जिसको इंसेप्ट किया था फाउंड किया था इंडियन नेवी ने इन 1995 एट एंडमन एंड निकोबर कमांड सिंस इट्स इंसेप्शन ये जो इवेंट है हर साल बाइनेली हर साल नहीं हर दो साल में बाइनेली ये किया जाता है यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड फाइव टू थाउजेंड सिक्सटी एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी चार ऐसे साल है जहाँ पे ये नहीं हुआ है बाकी हर दो सालों में इसको यहाँ पे किया गया है ठीक है तो इन 1995 खाली चार नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था जब 1995 में इंडियन नेवी ने इसको इंसेप्ट किया फाउंड किया और वो कौन कौन सी चार कंट्रीज है दिया श्रीलंका थाईलैंड सिंगापुर एंड इंडोनेशिया 2022 का जो एडिशन हुआ था इसका जो कि एलवेंथ एडिशन था उसमें 40 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था अभी जो 2024 की एक्सरसाइज है जो मिलन एक्सरसाइज हुई 2024 की विशाखापट्टनम में इसको दो फेजेस में किया गया पहला था हार्बर फेज एंड सेकंड था सी फेज हार्बर फेज में क्या किया गया एक इंटरनेशनल मेरीटाइम सेमिनार हुआ यहाँ पे सिटी पैरड्स हुए टेक एक्जिबिशन हुई एक्सपर्ट एक्सचेंजेस हुए यानी कि कंट्रीज ने एक्सपर्ट्स एक्सचेंज किए एक दूसरे के साथ ऑफिसर गैदरिंग्स हुई और कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स भी हुए और जो सी फेज था यहाँ पे शिप्स ने पार्टिसिपेट पार्ट किया सी फेज में और एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम फ्रेंडली नेशंस इंडियन नेवीज कैरियर्स एंड अदर यूनिट्स तो दिस वाज ऑल अबाउट द सी फेज विल सी द नेक्स्ट वन Which state government recently planning to introduce a bill to hold writers responsible for damage to both government and private property? हमें बताना बताना है यहाँ पे कि कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि रिसेंटली प्लान कर रही है कि वो एक ऐसी बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें जो राइटर्स होते हैं यानी कि जो दंगा फसाद करते प्रोटेस्ट के दौरान राइट right? प्रोटेस्टर्स के दौरान जितने भी दंगा फसाद करने वाले लोग होते हैं उनको यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा फॉर द डैमेज काज जितना भी वो दंगे फसादों में डैमेज होता है टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे उनको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा ठीक है तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है दैट इज़ उत्तराखंड उत्तराखंड जो है इट्स प्लानिंग की एक ऐसी बिल लेके आएंगे आएँगे जहाँ पर राइटर्स को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा फॉर द डैमेज ओके कंटेक्सट देखते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है कि वो कौन सी बिल इंट्रोड्यूस करेंगे उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल इन द अपकमिंग बजट सेशन जो कि दूसरा बजट सेशन आएगा उसमें ये उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे इसका एम क्या है जो राइटर्स हैं उनको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ठहराना फाइनेंशियली यानी कि उनसे फाइनेंशियल कंपनसेशन uh, लिया जाएगा फ़ाइन लिया जाएगा फॉर जितना भी वो डैमेज कॉज करेंगे टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी जूरिंग प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स अगर ये इनैक्ट तो उत्तराखंड जो है इट एंड हरियाणा बिल्स लेकर आए हैं तो उत्तराखंड तीसरी स्टेट बनेगी जो कि ऐसा एक लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगी ओके विल सी द नेक्स्ट वन रीसेंटली वेर वॉज द थर्टीथ मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेड हमें बताना है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका रिसेंटली जो थर्टीथ मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई वो कहाँ पर हुई ठीक है तो हमारा जो आंसर है दैट इज़ अबू धा अबू धाबी में रिसेंटली थर्टीनथ मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्सट देखते हैं जो थर्टीथ मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की इसको कहाँ पे स्टार्ट किया गया एट ओबुदाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर जो कि कहाँ पे है ओबुदाबी में ओबुदाबी यूएई यू ए अरब इमारेट्स कब से कब तक फ्रॉम फेबर ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ठीक है तो अभी हम थोड़ा सा डब्ल्यू के बारे में यहाँ पे समझते हैं जो डब्ल्यू है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि डिफरेंट जो डिफरेंट जो कंट्रीज़ है इसकी पार्टिसिपेंट्स है जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडकोार्टर कहाँ पर है जीनीवा स्विट्ज़रलैंड में जिनीवा स्विट्ज़रलैंड जो डब्बीओ है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 164 सिक्सटी फोर स्टेट्स हैं यानी कि 164 सिक्सटी फोर कंट्रीज के मेंबर्स हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं कितना नाइन्टी एट परसेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल जी डी पी अभी जो डब्ल्यू टी ओ है इसने अपने ऑपरेशन को अपना जो इसका जितना भी प्रोसीजर है ऑपरेशन है वो कब से इन्होंने ऑफिशियली स्टार्ट किया फ्रॉम वन जनवरी नाइनटीन नाइन्टी फाइव और इसको बनाया कब गया था इन नाइनटीन नाइन्टी फोर मराकेश एग्रीमेंट पहले हुआ करता था जी ए टी टी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिक्स जिसको नाइनटीन फोटी एट में यहाँ पर इस्टबलिश किया गया था तो फिर उसके बाद गुरगो हुए उसके बाद इसको मराकेश एग्रीमेंट के थ्रू नाइनटीन नाइन्टी फोर में यहाँ पर इस्टैब्लिश किया गया एंड दैन ऑन फ्राम वन जनवरी नाइनटीन नाइनटी फाइव इसने अपनेपरेशन को यहाँ पर ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया था जो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है वो डब्ल्यू टी ओ की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है यानी कि जितने भी डिसीजनस होते हैं वो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में लिए जाते हैं जहाँ पर सारी कंट्रीज़ के मेम्बर्स इकट्ठा होते हैं और कुछ डिसीजनस को वहाँ पर लेते हैं तो विच इज़ कंपोज ऑफ ऑल मेबर स्टेट्स एंड यूजअली कन्वीन्स बाई नियरली और इसकी जो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है यूजअली हर दो साल में होती है एवरी टू ईयर्स में यहाँ पर होती है ठीक है डब्ल्यू टी ओ का क्या काम है डब्ल्यू टी ओ एक ऐसी लोन ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ एक ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली ट्रेड रूल्स बनाती है और सारी कंट्रीज़ को उन्हीं ट्रेड रूल्स को यहाँ पे फॉलो करना होता है ठीक है तो इस दिस वॉज ऑल अबाउट डब्ल्यू टी ओ नेक्स्ट रिसेंटली विश न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ एम्बेडेड दी फर्स्ट कंप्यूटर चिप इन ह्यूमन ब्रेन हमें बताना है कौन सी ऐसी न्यूरो टेक्नोलॉजी है जिन्होंने रिसेंटली पहली बार ह्यूमन ब्रेन में एक कंप्यूटर चिप को यहाँ पे डाल दिया एम्बेड कर दिया है तो आंसर इज़ न्यूरानिक न्यूरो ऐसी पहली न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली फर्स्ट कंप्यूटर चिप को डाला है ह्यूमन ब्रेन में ठीक है ये एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसको फाउंड किया था 2016 में बाय मस्क और सेवन अदर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स मस्क ने uh, कुछ uh, सात दूसरे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स से मिलकर 2016 में इसका इसको फाउंड किया था कंपनी का जो इम्प्लांट है यानी कि जो ब्रेन में इम्प्लान्ट किया जाता है प्लांट किया जाता है उसको लिंक कहते हैं ठीक है थीके? जिसका नाम लिंक है ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको सर्च यानी कि थ्रू सर्जरी यहाँ पर प्लेस किया जाता है इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन ओके जो न्यूरा लिंक है ये क्या कर सकता है ये जो इसका डिवाइस है जो इसका एक लिंक डिवाइस है जो यहाँ पे हमारे ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लान्ट किया जा सकता है ये जो हमारी न्यूरल एक्टिविटी है उसको इंटरप्रेट कर सकता है यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम क्या सोच रहा है क्या करना चाह रहा है क्या करने की कोशिश कर रहा है कि उसको इंटरप्रेट करके यहाँ पे जितने भी एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं या जितने भी हमारे पास स्मार्टफोन हो गया कंप्यूटर हो गया हम उसको अपनी थिंकिंग के थ्रू अपने ब्रेन से हम इसको तब क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं देखिए हमारा जो ब्रेन है कोई सोच रहा है क्या अच्छा, चाह मुझे फोन पे ये चीज करनी है मुझे लैपटॉप पे ये चीज करनी है या कंप्यूटर पे ये चीज करनी है हमने सोचा ये जो लिंक डिवाइस है ये क्या कर लेता है उस चीज़ को इंटरप्रेट कर लेता है उसको समझ लेता है कि अच्छा ये जो पर्स पर्टिकुलर पर्सन है कुछ ऐसी इसको एक्टिविटी करनी है तो डायरेक्टली ये लिंक कर लेता है उस स्मार्टफ़ोन या कंप्यूटर के साथ और फिर क्या करता है डायरेक्टली विदाउट डूइंग एनी फिज़िकल एक्टिविटी हम यहाँ पे उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं उस एक्शन को यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है ये जो कंपनी का अल्टीमेट होप या अल्टीमेट जो इसका गोल है वो क्या है जितना भी सेंसरी और जो मोटर फंक्शनस होते हैं लोगों में जिनमें डिसबिलिटीज़ हो उनमें उसको रेस्टोर करें मतलब जिनमें डिसेबिलिटीज होती है उनकी इन फंक्शंस को रेस्टोर करना है या जितने भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है उनको ट्रीट करना जैसे डिमेंशिया हो गया डिप्रेशन हो गया एंड इवन इनेबल टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जो टेलीपैथिक यानी कि थ्रू ब्रेन हम कम्युनिकेट कर सकते हैं उसको भी यहां पे इनेबल करना ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूरा लिंक नेक्स्ट इज मर्थन सन टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी हमें बताना है जो मार्थन सन टेम्पल है न्यूज़ में था रिसेंटली ये कौन सी स्टेट यूटी में लोकेटेड है तो आंसर इज़ जम्मू एंड कश्मीर न्यूज़ में क्यों था ये बिकॉज सब रिलीजियस ग्रुप ने यहाँ पे जो इसकी प्रोटेक्शन उसको ब्रीच कर लिया था तो उस वजह से ये थोड़ा सा न्यूज़ में था ये एक स्टोन uh, टेम्पल है यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं यहाँ पे जो मर्थन सन टेम्पल है इसको एट्थ सेंचुरी में किसने बनाया था किंग ललित आदित्य मुक्ता पिता जो ललित आदित्य मुक्ता पिता है इनको सामुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है सामुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर इन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था और इसमें जितने भी कश्मीरी गुप्ता चाइनीज गांधार रोमन एंड ग्रीक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है कहते हैं ये उस सब का ब्लेंड है स, उन सब का उन सभी स्टाइल्स का मिक्सचर करके इसको बनाया गया है ठीक है इसका जो एरिया है दैट इज़ थर्टी टू थाउजेंड स्क्वायर फीट इसका जो स्टोन टेम्पल है यहाँ पे एक एटी सिक्स कॉलम का कोर्ट यार्ड है एक सिक्सटी फीट का विमाना है विद इंटर किट काविंग्स और कुछ एट्टी फोर छोटे छोटे श्राइन्स भी हैं यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो सुल्तान सिकंदर शाह मीरी हैं उन्होंने इसको डिमोलिश किया था डिस्ट्रॉय किया था इन फ़ोटीनथ सेंचुरी कि डिमोलिश किया था सुल्तान सिकंदर शाह मीर ने इनको दिमौ, इसको डिमोलिश किया था इन फ़ोटीनथ सेंचुरी ओके okay, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ व्हेन इज़ द वर्ल्ड पल्स डे ओब्जर्व एवरी ईयर हमें बताना है हर साल वर्ल्ड पल्स डे कब मनाया जाता है कब सेलिब्रेट किया जाता है तो आंसर इज फ़रवरी टेन फ़रवरी जो है दैट्स इज़ एज वर्ल्ड पल्स डे एवरी ईयर ठीक है अब इसका काम क्या है मतलब क्यों हम इस डे को ऐसे सेलिब्रेट uh, करते हैं ऑब्जर्व करते हैं इट्स टू प्रमोट अवेयरनेस अवेयरनेस रिगार्डिंग वाट अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ पल्सिस पल्सिस के जितने भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं इनके जितने भी एनवायरमेंटल बेनिफिट्स है उसके लिए उसकी अवेयरनेस लोगों को लोगों तक पहुंचाना उसके बारे में लोगों को बताना ताकि पल्सिस को अडॉप्ट किया जा सके कि इन सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सस्टेनेबल फ़ूड प्रोडक्शन पहले समझते हैं कि ऐसी फूड प्रोडक्शन होती है जहाँ पे हम हमारे रिसोर्स का हम हमारे नेचुरल रिसोर्स का इस तरीके से यूज़ कर सके कि प्रेजेंट जनरेशन को भी बेनिफिट हो और जो हमारी आने वाली जनरेशन है जो हमारी फ्यूचर uh, जनरेशन है उसके लिए भी यहाँ पे जो रिसोर्स है अवेलेबल रहे ठीक है तब तक वो एग्जॉस्ट ना हो जाए दैट इज द सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन ठीक है अभी जो पल्सिस हैं पल्सिस यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों रही थी कि पल्सिस जो है ये लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं फैमिली जो इनकी है इनकी है देट इज लिग्यूमिनेसी ठीक है अभी जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इनमें एक एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकते हैं ये खुद से अपनी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं ठीक है यानी कि अपने जो अपने लिए खुद से ये नाइट्रोजन अवेलेबल कर सकते हैं इनको एक्सटर्नल यहाँ पे किसी केमिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है अब अगर हमने फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया तो इसका मतलब एनवायरमेंटली हमें ये बेनिफिट करेगा राइट और न्यूट्रिशनल वैल्यू तो इनका होता ही है बहुत तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि वाई वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड पल्सिस डे अब यू जो है यू हर साल एक थीम असाइन करता है वर्ल्ड पल्सिस डे की और इस साल की जो थीम थी दैट मीज पल्स नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल कैसे सॉइल्स को नरिश करता है नाइट्रोजन फिक्स करता है और लोगों को थ्रू द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन इट एमिंग टू तो इंटीग्रेट पॉलिसी इन इंट डाइट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस एम क्या है कि जो पॉलिसी है उनको अपने डाइट में इंटीग्रेट करना और इवन इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इस डे को स्टार्ट किया गया था इन 2019 में ठीक है तब से 2019 के बाद से हम अब हम हर साल फेबररी टेन को वर्ल्ड पल्सिस डे ऑब्जर्व करते हैं मनाते हैं यहाँ पे जो कि एम्परसाइज करता है कि पल्सिस का कितना बड़ा रोल है इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एस टी जी सेवनटीन है तो इनको अचीव करने में पल्सिस का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है उस चीज़ को एम्परसाइज करने के लिए हर साल अब टू के बाद से इस डे को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है ओके सी द नेक्स्ट वन रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसड ए स्पेशल स्कीम फॉर लेबरर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स नेम्ड द मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना यहाँ पर पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने रिसेंटली लेबरर्स और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक ऐसी स्पेशल स्कीम अनाउंस की जिसका नाम है मुख्यमंत्री uh, विश्वकर्मा पेंशन योजना ठीक है तो आंसर इज राजस्थान राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली इस स्कीम को अनाउंस कर लिया है जो राजस्थान गवर्नमेंट है इसने इस स्कीम को अनाउंस किया जिसका नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना जिसमें क्या किया जाएगा एक मंथली यानी कि हर महीने में पेंशन दिया जाएगा कितना रुपीज़ टू थाउजेंड का हर महीने रुपीज़ टू थाउजेंड का पेंशन दिया जाएगा टू द एलिजिबल वर्कर्स किन वर्कर्स को जिनकी एज सिक्सटी है या उससे ज़्यादा है जो भी अबो सिक्सटी एज के पीपल यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए हर हर महीने रुपीज़ दो हज़ार का यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा उनको अंडर दिस स्कीम द इनिशिएटिव एम्स टू सपोर्ट लेबरर्स और स्ट्रीट वेंडर्स ताकि उनका जो वेलफेयर है वो एंश्योर हो सके बाय हेल्पिंग द मीट डेली नीड्स इंडिपेंडेंटली ताकि अपनी जो नीड्स है उनकी डेली नीड्स वो इंडिपेंडेंटली ख़ुद से यहाँ पर मीट कर सके ओके रिसेंटली हु बिकेम दी सेकेंड इंडियन बाउलर टेक फाइव हंड्रेड विकेट्स इन टेस्ट मैच हमें बताना है रिसेंटली कौन दूसरा ऐसा इंडियन बाउलर बना जिसने टेस्ट मैच में पाँच सौ विकेट्स लिए तो आंसर इज रविचंद्रन अश्विन ये हैं रविचंद्रन अश्विन यही ऐसे सेकेंड इंडियन बॉलर बने जिन्होंने टेस्ट मैच में अभी तक फाइव हंड्रेड विकेट्स लिए हैं ठीक है तो रिसेंटली इनको हमारे पी एम ने यहाँ पर प्रेस करके बोला कि जो स्पिनर हैं ये क्या है स्पिनर रविचंद्रन अश्विन फॉर रीचिंग 500 टेस्ट विकेट्स मेकिंग हिम द सेकंड इंडियन बॉलर टू अचीव सच थिंग ओके आफ्टर अनिल कुंबले अनिल कुंबले जो है पहले ऐसे इंडियन बॉलर थे जिन्होंने फाइव हंड्रेड टेस्ट विकेट्स लिए थे इन टेस्ट मैच और अभी कौन बने हैं दूसरे रविचंद्रन अश्विन ठीक है तो ओनली आफ्टर दो दो लोग और और भी ऐसे हैं जैसे मुतैया ऑफ स्पिनर्स में देखिए ऑफ स्पिनर्स में दो और लोग ऐसे हैं जैसे मुतैया मुरलीधरन हैं निथन लियान हैं जिन्होंने अभी तक 500 विकेट्स को क्या कर लिया सरपास कर लिया और अभी अश्विन ने भी इनको ज्वाइन कर लिया है नोटेबली जो अश्विन है ये थर्ड ऐसे ऑफ स्पिनर बनी इन हिस्ट्री ऑफ स्पिनर्स की बात हो रही है राइट यहाँ भी ऑफ स्पिनर्स की बात हो रही है यहाँ भी ऑफ स्पिनर्स की बात हो रही है लेकिन यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है इंडियन बॉलर की कौन सा ऐसा इंडियन बॉलर दूसरा है आफ्टर अनिल कुंबले जिसने यहाँ पे फाइव हंड्रेड टेस्ट विकेट्स लिए हैं तो वो दैट इज रविचंद्र अश्विन लेकिन ऑफ स्पिनर कैटेगरी में जो और दो लोग हैं मुतैया मुरलीधरन और नेथन लियन के साथ अभी आश, अश्विन भी यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं हिस्टोरिक मूवमेंट ऑकवर्ड ऑन द सेकेंड डे कब हुआ ये जब अगेंस्ट इंग्लैंड टेस्ट मैच चल रहा था और वहाँ पर इन्होंने डिसमिस किया था किसको जैक क्रॉली को आपसे ये भी पूछा जा सकता है आफ्टर डिसमिसिंग होम इन्होंने ये ऐसे बने मतलब सेकेंड इंडियन बॉलर बनी टू डू सो ठीक है तो आंसर इज जैक क्रॉली ओके व्हाट इज़ द आई स्टेटस ऑफ ऑलिव रिटली टर्टल्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ हमें बताना है जो ऑलिव रिटी टर्टल्स रिसेंटली न्यूज़ में थे तो उनका आयु स्टेटस क्या है वट इज़ आयू सी एन आयु सी एन इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ठीक है जी ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ एन जी ओज पार्टिसिपेंट्स हैं और ये क्या करते हैं एक रेड लिस्ट प्रोवाइड करते हैं रेड लिस्ट में क्या होता है डिफरेंट कैटेगरीज होती है स्पीशीज़ की ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन किस किस स्पीशीज़ को कितनी प्रोटेक्शन चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वलनरेबल कैटेगरी होती है वल्नरेबल कैटेगरी में जो स्पीशीज़ होती हैं दे आर नियर टू तो एक्सटेंक्शन यानी कि उनको थोड़ी अच्छी खासी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है उसके बाद होती है एंडेंजर्ड एंडेंजर ऐसी कैटेगरी होती है जिनको वेलरेबल से थोड़ी सी ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है एंड दे आर मोर नियर टू द एक्सटिंक्शन ब्रिंक ऑफ दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन यू कैन से एंड देन इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड दे आर एक्चुअली नियर टू द एक्सटेंशन और इनको हाइएस्ट लेवल ऑफ यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए तो प्रोटेक्शन इनको प्रोटेक्शन के बेसिस पे ही इसको यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है तो हाइस्ट प्रोटेक्शन किनको चाहिए होती है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं एंड देन इट्स एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड ऐसे करके तो अभी हमें यही आयू सी एन स्टेटस बताने यानी कि आई सी एन के रेड लिस्ट की कौन सी कैटेगरी में आता है ऑलिव रि टर्टल तो इट कम्स इन वालनरेबल कैटेगरी तो वालनरेबल विल बी आवर आंसर हियर यहाँ पे आप पिक्चर में देख भी सकते हैं कि इतने सारे ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं यहाँ पे तो कंटेक्स्ट समझते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है इन्होंने रिसेंटली एक बैन लगाई है एक महीने या मंथ लॉन्ग फिशिंग बैन विद इन ए फाइव किलोमीटर रेडियस ऑफ होप आइलैंड होप आइलैंड के पाँच किलोमीटर की दूरी तक इन्होंने बैन लगा दी यहाँ पे फिशिंग में ताकि ये जो ऑलिव रिडले टर्टल्स है इनको सेफ किया जा सके प्रोटेक्ट किया जा सके अलॉन्ग किनारा कोस्ट ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है इनको इनके ग्रीन कैरापेस के लिए नाम दिया जाता है देखिए ऑलिव हम जानते हैं ग्रीन कलर का होता है राइट right? तो इनका भी जो ग्रीन कैरापिस है कैरापिस मीन्स शेल वो होती है ग्रीन कलर की इसलिए ऑलिव रेडली ये क्या है दीज आर स्मॉलेस्ट सी टर्टल्स ग्लोबली ग्लोबली सबसे छोटे सी टर्टल्स है इनको किस चीज़ के लिए ये फेमस है इनकी जो यूनिक मास नेस्टिंग है जो ये नेस्टिंग बल्क में करते हैं एक साथ मिलकर एक ही टाइम पे यहाँ पे एग्स देते हैं जिसको एरीबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है देखिए आप यहाँ पे पिक्चर में देख लीजिए हजारों में आते हैं ये ऑलियो टर्टल्स और एक साथ एक ही टाइम पे यहाँ पे एग्स देने लग जाते हैं देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में यही जो इनका तरीका है ऐसे एक साथ आकर एक ही टाइम पे एग्स देने का इसी को एरीबाड़ा कहते हैं ठीक है ध्यान रहेगा इसी को अरिबाड़ा कहते हैं ठीक है और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं इनहैबिट वार्म वाटर्स इन द पैसिफिक अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस द गहिर माथा मरीन सेंचुरी इन उड़ीसा कहाँ पे है ये सेंचुरी मरीन सेंचुरी गहिर माथा मरीन सेंचुरी उड़ीसा में यहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट रूकरी पाई जाती है सी टर्टल्स क्या कॉलोनी आप कह सकते हैं किनकी पाई जाती है सबसे बड़ी वर्ल्ड की सी टर्टल्स की तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विद ए वरेबल स्टेटस मैंने आपसे कहा इन द आई यू सी या रेड लिस्ट ऑल ओवर इट ले रिक्वायरिंग प्रोटेक्टिव मेजर्स ठीक है नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलिंग कंट्रीज पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज दोस्ती रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ एक्सरसाइज दोस्ती जो कि रिसेंटली न्यूज में थी कौन कौन सी कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है वो हम देख लेते हैं इंडिया श्रीलंका एंड मॉलिवज तीन जो कंट्रीज है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें दैट इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव मालदीव में ही एक्सरसाइज करी गई तो इंडिया एंड श्रीलंका ने यहाँ पर ज्वाइन किया कॉन्टेक्स्ट देखते हैं इंडिया इंडियन एंड श्रीलंकन कोस्ट गार्ड शिप्स रिसेंटली जॉइन मालडिवस फॉर कहाँ पे हुआ मालडिवस में हुआ इसीलिए ये रिसेंटली ज्वाइन कर लिया मालडिवस को फॉर द एक्सरसाइज दोस्ती सिक्सटी सिक्सटीन 16, एडिशन था ये जो कि ट्राई लेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है यानी कि ट्राई लेटरल यानी कि तीन कंट्रीज़ का इंडिया का श्रीलंका एंड मालडीवस का जो कि हर दो साल बाइन ये भी होता है सिंस नाइनटीन से होता आ रहा है ठीक है तो श्रीलंका ने जॉइन किया था दो में किसको दोस्ती एक्सरसाइज दोस्ती को कब श्रीलंका ने ज्वाइन किया इन 2012 और जो इसका सिक्सटीथ एडिशन है उसमें कहाँ कहाँ से कोस्ट गार्ड्स आए थे इंडिया से श्रीलंका से मॉलडीव से और ऑब्जर्वर्स कहाँ ऑब्जर्वर्स कहाँ से आए थे फ्रॉम द बांग्लादेश इसका फोकस क्या है यहाँ पे म्यूचुअल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पे फोकस रहेगा इंटर ऑपरेबिलिटी पेड कॉपरेशन स्नारिज लाइक सी एक्सीडेंट्स एंड पोल्यूशन यानी कि देखिए अगर फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कोई सी एक्सीडेंट हो गया पोल्यूशन का कोई इशू हो गया या फॉर दैट मैटर एनी जो भी इस रीजन को के लिए कंसर्न बन सकता है तो यहाँ पे क्या होगा ये लोग तब ये तीनों मिलके तब वहाँ पे कैसे ऑपरेट करेंगे इनकी इंटरऑपरेबिलिटी कैसी रहेगी उस टाइम पे उस चीज़ पे इनका फोकस रहेगा इनकी कॉपरेशन कैसी रहेगी इन सीनारियोज में तो उस चीज़ पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा इस एक्सरसाइज में ठीक है रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रेटिफाई आई लो कन्वेंशन टू एंड वर्क प्लेस वायलेंस एंड हरासमेंट हमें पता नहीं रिसेंटली एशिया की पहली ऐसी कंट्री कौन बनी जिसने आई के कन्वेंशन को रेटिफाई किया आई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो कन्वेंशन है किसके लिए टू एंड वर्क प्लेस वायलेंस वर्क प्लेस में जो वायलेंस और हेरासमेंट होता है उसको एंड करने के लिए आई की एक कन्वेंशन है उसको यहाँ पे रेटिफाई किया उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है तो पहली ऐसी एशियन कंट्री कौन सी है वो बताना है तो आंसर इज फिलीपींस फिलिपींस रिसेंटली पहली ऐसी एशियन कंट्री बनी जिसने आई कन्वेंशन को रेटिफाई किया टू एंड वर्क प्लेस वायलेंस एंड हरासमेंट ठीक है ये कौन सा यहाँ पे कन्वेंशन है इट्स द वायलेंस एंड हरासमेंट कन्वेंशन 2019 में लाया था जिसका नंबर 190 है बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि नंबर कौन सा है आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आई का जो कन्वेंशन है फॉर वायलेंस एंड हेरासमेंट वो uh, जो कन्वेंशन टू थाउजेंड नाइनटीन का उसको रेटिफाई कर लिया है फिलीपींस ने एंड हिस्ट्री में पहली एशियन कंट्री है बनी टू डू सो ठीक है ये जो सिग्निफिकेंट uh, स्टेप होता है ये एड्रेस करता है किन किन चीजों को एक तो वर्क प्लेस वायलेंस यानी कि वर्क प्लेस जहां पे हम काम करने जाते हैं मोस्टली तो वेमेन फेस करती है वायलेंस एट द वर्क प्लेस तो ग्लोबली उस चीज़ को एड्रेस एड्रेस करने के लिए ये क्या करते हैं इस चीज़ को यहाँ पे रेटिफाई कर लिया है इन्होंने और यहाँ पे क्या दिखाता है क्या दर्शाता है कि दिस नेशन द फ़िलीपींस इज़ कमिटेड टू फॉस्टरिंग सेफ एंड रेस्पेक्टफुल वर्क इन्वायरमेंट्स अभी फ़िलीपींस जो है इन्होंने थर्टी अदर कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लिया कर लिया है यहाँ पर यानी कि जो थर्ट और नेशंस हैं उन्होंने भी पहले इसको रेटिफाई किया था और फिलीपीस अभी थर्टी नेशन बन गया है ठीक है तो नेक्स्ट भी देखते हैं यहाँ पर विच मेडल डिट द इंडियन वुमेंस टीम विन एट द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हमें बताना है कौन सा मेडल जीता इंडियन वीमेन टीम ने कहाँ पे बैडमिटन एशिया टीम चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आंसर इज गोल्ड मेडल ठीक है कंटेक्सट को समझते हैं द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को हेल्ड किया गया था फ्रॉम फेबर थर्टीन टू एटीन कहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो रहा है कहाँ पे हुआ था शाह आलम मलेशिया शाह आलम मलेशिया में रिसेंटली ये जो चैम्पियनशिप है बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप हुई थी ठीक है इट वाज जो इंडियन टीम की लीडर्स थे देवर पी वी सिंधु और एक यंगस्टर है अनमोल खरब जो कि लीड कर रही थी इंडियन विमेन टीम को इन्होंने क्या जीता गोल्ड मेडल और किसको बीट किया थाईलैंड को बीटिंग थाईलैंड थाईलैंड सेकंड पोजीशन पे था तो उसको बीट करते हुए इंडिया ने वहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है कि इंडिया का पहला ऐसा गोल्ड मेडल है एट बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप में इंडिया का ये पहला गोल्ड मेडल होगा ठीक है <coughs> नेक्स्ट देख लेते हैं द सुदर्शन सीतू ब्रिज कनेक्ट विच टू लोकेशंस हमें बताना है जो सुदर्शन सीतु ब्रिज रिसेंटली इनाग्रेट किया गया इस ये कौन कौन सी दो लोकेशन को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है तो हमारा जो आंसर है दैट इज़ बे द्वारका आईलैंड एंड ओखा इन गुजरात कहाँ पे है ये गुजरात में तो इन दो लोकेशन्स को ये यहाँ पे कनेक्ट करेगा बे द्वारका आईलैंड एंड ओखा यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं सुदर्शन सीतु दिस इज द ब्रिज राइट हीयर दिस इज़ बे द्वारका एंड दिस इज ओखा ठीक है इन दो पॉइंट्स को ये कवर कर लेगा तो कंटेक्स देखते हैं रिसेंटली इसको पीएम मोदी ने इनाग्रेट किया इस ब्रिज का नाम जो है सिग्नेचर ब्रिज भी है सिग्नेचर ब्रिज था पहले और अभी इसको सुदर्शन सेतु और सुदर्शन ब्रिज के नाम से जाना जाता है ये कंट्री का लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा ऑफ टू पॉइंट थ्री टू किलो, किलोमीटर ऑन द अरेबियन सी कनेक्टिंग बे द्वारका आईलैंड टू मेन रोड मेन लैंड ओखा इन गुजरात देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट इससे पहले मैंने आपको अटल अटल सीतु के बारे में भी बताया था इन जनवरी करंट अफेयर्स जिसका नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी है वो मुंबई में था और कंट्री का सबसे लंबा ओवर द सी ब्रिज था वो ठीक है तो ये कंट्री का लॉन्गेस्ट ब्रिज होने वाला है टू पॉइंट थ्री टू किलोमीटर ऑन द अरेबियन सी जो कि इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा इन गुजरात इसमें सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द फुटपाथ जनरेटिंग वन मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी को यहां पर जनरेट करेगा वन मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हु इज़ अपॉइंट एज द न्यू लोकपाल ऑफ़ इंडिया हमें क्या बताना है कि रिसेंटली किन को न्यू लोकपाल ऑफ़ इंडिया यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया है तो आंसर इज जस्टिस एम खानविलकर खानविल जस्टिस एम खानविल खानविलकर जो है ये न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया बने हैं या लोकपाल के चेयरपर्सन वी कैन से मोस्ट प्रिसाइजली कि चेयरपर्सन बने हैं यहाँ पे नए लोकपाल ऑफ इंडिया के ठीक है यानि कि लोकपाल ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन ये बने हैं जस्टिस ए एम खानविलकर ओके दिस इज़ द जस्टिस एम खानविलकर थोड़ा कंटेक्सट जानते हैं जो लोकपाल ऑफिस है लोकपाल का ये जो ऑफिस है जो डिजिग्नेशन है इसको कैसे एस्टेब्लिश किया गया बाय द एक्ट लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 इसका मतलब ये एक स्टैचुट्री बॉडी है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है क्या बॉडी है ये स्टैचुटरी बॉडी है क्योंकि इसको इस एक्ट से यहाँ पे बनाया गया है इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग पीएम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट ओनर कारपोरेशन अब लोकपाल का क्या काम होता है ये इन्वेस्टिगेट करता है कम्प्लेंट्स ऑफ करप्शन करप्शन की जितनी भी कंप्लेंट्स होती है उनका इन्वेस्टिगेट करना अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आल्सो अगेंस्ट पीएम एम के अगेंस्ट भी अगर कोई करप्शन का चार्ज हो रहा है या फिर कोई कंप्लेंट आ रही है तो उन चीज़ों को भी ये इन्वेस्टिगेट करेगा जो टर्म लोकपाल है इसको क्वेंट किया था एल एम सिंघवी ने इसमें क्या होता है एक चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम इसमें एट मेंबर्स होते हैं ठीक है वन चेयरपर्सन प्लस एट मेंबर जिनको कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक सिलेक्शन कमेटी होती है सिलेक्शन कमेटी इनको क्या करती है रिकमेंड करती है कोई नेम सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड्स अ नेम और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको यहां पे अपॉइंट कर लेते हैं सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फेबर 2024 करंट अफेयर्स आई होप आपने आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिली और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा ठीक है तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन